लेकिन आपका नाम अब ऑब्वियसली एसोसिएट किया जाता है पब्लिक डोमेन में कहीं भी कि भाई यशस्वी के कोच यशस्वी जयसवाल के कोच तो, तो पहले मरतबा जब देखा उसकी स्टोरी और आज तक ये पूरा ट्रांजेशन जो है एज अ क्रिकेटर एज अ पर्सन ये सब जानना चाहेंगे आपसे तू क्या कर रहा है बोला मुझे सर क्रिकेट खेलना है तो बोला कुछ खेला है यहाँ पे मुंबई वगैरह में तो बोला हाँ सर हैरी शील्ड खेला था मैंने बोला क्या किया था तो बोला मैंने टू हंड्रेड किया मैं, मुझे थोड़ा लगा कि शायद मुझे इंप्रेस करने की कोशिश कर, कर, रहा, है। कर रहा है कि रहा। आगे जाके मैं उसको कुछ तो मैंने बोला तुझे क्या दिक्कत है तो बोलता है सर मुझे ना कोई खेलने नहीं देता है मुंबई में और मेरा बहुत प्रॉब्लम है और मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ छोटा सा लड़का था तो मैंने बोला क्यों नहीं खेलने देता तो बोलते हैं कि तुमको सब बैन कर देंगे आप खेलने जाओगे तो तुमको पुलिस के हवाले कर देंगे तो जिसने किया था उसने अपना अप करके साइड हो गया अभी कहाँ है वो हैंड्स अप करके अब पता नहीं। <laughs> <really don't> know. <laughs> तो देन, अब वो लड़के का पूरा करियर खत्म तो ना कोई इसको स्कूल क्रिकेट खिला रहा था

एंड द देंज ऑल्सो वॉट जो भी आप आपने क्योंकि इंडिया प्लेयर दे दिया है और फॉर्मेट में जैसा वो प्लेयर है तो पहले मरतबा जब देखा उसकी स्टोरी और आज तक ये पूरा ट्रांजेशन जो है एज अ क्रिकेटर एज अ पर्सन ये सब जानना चाहेंगे आपसे पहले वो पहले विजुअल्स कहाँ देखा फर्स्ट टाइम यशस्वी जायसवाल को आपने और डिसाइड किया भाई इस लड़के में टैलेंट है देखिए जब मैंने उसको सत्रह दिसंबर 2013 का डेट डेट याद है, है भाई uh, मैं मुझे याद है मैं साउथ अफ्रीका से आया था और मेरा मेरा ऐसा होता है कि जब भी मैं फॉरेन से आता हूँ अभी मैं परसों इंग्लैंड से कल मैं ग्राउंड पे चला गया तो मैं साउथ अफ्रीका से आया था और हमारे एकेडमी का मैच था तो मैं मैच के लिए गया था आज़ाद मैदान और वहाँ पे आपके अकेडमी मैच वहाँ पर था आजाद मैदान प्रैक्टिस मैच हमारा होते रहते हैं तो मैच खत्म हो गया और मैं घर पे जा रहा था और आज़ाद मैदान में 22 टू पिचेज अरे पूरा भरा पूरा रहता है। भरा रहता है तो अमेजिंग तो मैं जा रहा था और मेरा एक दोस्त बहुत पुराना दोस्त दिख गया तो मैं बोला उससे मैं मिलने चले जाऊँ तो मैं वॉक करके चला गया एक पिच पे और वहाँ पे नेट्स में एक सीनियर बैट्समैन बैटिंग कर रहा था और बार बार विकेट के बारे में बोल रहा था और मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था तो उस जैसे ही बाहर निकला वैसे एक दूसरा बैट्समैन गया लेफ्टी बैट्समैन गया तो मैंने मेरे दोस्त को बोला मैला यार देख यही विकेट पे ना वो बैटिंग कर रहा था तो बार बार बोल रहा था बॉल ऊपर रह रहा है नीचे रह रहा है और ये लड़का है उसमें अच्छा खेल रहा है तो फिर वहाँ से बात निकली बोला अरे ज्वाला भाई ये लड़का है पता नहीं कहाँ से आया है यूपी वगैरह कहीं से तो आया है और इसके कोई कोई यहाँ पर है नहीं तो हम लोग बोलते चले जाएगा जाता नहीं है और हम मुझे बहुत डर लगता कहीं ऐसा ना इसके साथ कुछ दुर्घटना हो जाए कुछ हो जाए इसके साथ तो मैं बोला क्या तो बोला अरे ज्वाला भाई गाँव से आया तो ऐसे बात चल ही रहा था वो बाहर निकला लड़का और मैं थोड़ा वॉक करके आगे गया तो उसने हेलमेट निकाला और मैंने बोला क्या नाम है तुम्हारा तो बताया यशस्वी जयसवाल तो बोला कहाँ से है? तो बोला सर यूपी से आया हूँ तो मेरा यूपी में कहा <laughs> तो बोला सर भदोई तो मैं बोला तेरे माँ बाप किधर है तो बोला गांव में तो मैं बोला कहाँ रहता है तो बोला ऐसे उंगली दिखाई बोला टेंट में hmm. टेंट मतलब क्या होता है आजाद मैदान में, में बहुत सारे क्लब है बिल्कुल है बिल्कुल तो जो माली लोग रहते हैं टेंट का थोड़ा मैं क्लेरिफिकेशन देता हूँ माली लोग रहते हैं जहाँ पे ग्राउंड बना के रखते हैं जहाँ पे आप रह सकते हो लाइक शेड शेड टाइप रहता है टेंट वो तंबू नहीं तंबू लोगों को लगता है तंबू वो टेंट नहीं उधर रहता है प्लास्टिक का या, पतरे का रहता है वहाँ पे मतलब रह रह सकते सकते हो आप ऐसा कोई नहीं है कि तो वो मुस्लिम यूनाइटेड करके ग्राउंड था उसके टेंट में बताया मुस्लिम यूनाइटेड मुस्लिम क्लब का नाम है मूवी ए टीम है अभी बी में आ गई तो मैंने बोला तू यहाँ क्यों रहता है तो बताया सर कोई है नहीं मेरा मुंबई में और मैं यहाँ रहता हूँ तो मुझे उस टाइम पे कुछ समझ में नहीं आया तो मैं बोला तू क्या कर रहा है बोला मुझे सर क्रिकेट खेलना है तो बोला कुछ खेला है यहाँ पे मुंबई वगैरह में तो बोला हाँ सर हैरी शील्ड खेला था मैंने बोला क्या किया था तो बोला मैंने टू किया था तो मैं वो मुझे थोड़ा लगा कि शायद मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है, कर रहा है कि फुटबॉल आगे जाके मैं उसको कुछ क्योंकि मेरा थोड़ा सा बॉम्बे क्रिकेट में लोग जानते हैं कि मैं प्लेयर्स को सपोर्ट करता हूँ बिकॉज ऑफ मैं ओन बैकग्राउंड बेसिकली क्योंकि मैं खुद यूपी से आया था और मैंने वो सब झेला है तो मैंने बोला एक काम कर तेरा आया था कोई पेपर में ये 200 रन जो किया था वो पेपर में आया था क्या 200 और 8 विकेट तो बोला कि हाँ सर तो मैंने काम करना ये मेरा कार्ड है मेरे घर पे आ जाना और मैं देखूंगा पहले तेरा सच है कि नहीं सब और फिर मैं बताऊंगा मैं क्या कर सकता हूँ और मैंने सोचा आया गया तो मैं जूता वूता कुछ सामान वामान दे के अपना आई विल अपना इतना कोई आगे का सोचता नहीं है बिल्कुल तो फिर वो आया गुरुवार का दिन था ग्यारह बजे वो आया अपना प्लास्टिक में ऐसे फोल्ड करके पेपर कटिंग कर दो था एक उर्दू का, का था एक इंग्लिश का था तो देखा तो परफॉर्मेंस वॉज जेन्यून तो मैंने बोला तुझे क्या दिक्कत है तो बोलता है सर मुझे ना कोई खेलने नहीं देता है मुंबई में और मेरा बहुत प्रॉब्लम है और मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ छोटा सा लड़का था तो मैंने बोला क्यों नहीं खेलने देता नहीं। तो बोलते हैं कि तुमको सब बैन कर देंगे आप खेलने जाओगे तो तुमको पुलिस के हवाले कर देंगे तो मुझे थोड़ा हंसी आ गई मतलब पुलिस के हवाले क्यों कर देंगे तो कुछ लोग ऐसे थे ना मुंबई में उस टाइम पे जिन्होंने उसका नकली बर्थ सर्टिफिकेट बना के

तो बेसिकली पूरे मुंबई क्रिकेट में कन्फ्यूजन हो गया उसको लेके तो हर टीम इससे दूर भागती थी अच्छा कि 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 यार इसका इसका नकली 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 है 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 इसको बैन के। बैन के हुआ नहीं था था वो लेकिन ये ये सबके दिमाग में सर्टिफिकेट अब चीज प्रूफ कौन करेगा कि नकली है कि असली है सही बात है वो तो बच्चा है उसको तो कुछ पता ही नहीं है अभी नहीं। मैं कोच हूँ अगर मैं किसी को खिला दू और मैंने अपना सर्टिफिकेट उस लड़के का बना के नकली बना दिया तो उसकी कोई फॉल्ट नहीं लेकिन ये चीज कोई समझ नहीं पा रहा था और उसको खिला ही नहीं रहा था कोई कि भाई तूने करा है सबको हाँ, लग लगा कि तूने करा को लगा कि इसने किया है और तो जिसने किया था उसने अपना हैंड्स अप करके साइड हो गया अभी कहां है वो हैंड्स अप करके आ, अब पता नहीं आई रियली डोंट नो तो देन अब वो लड़के का पूरा करियर खत्म तो ना कोई इसको स्कूल क्रिकेट खिला रहा था कोई क्लब क्रिकेट खिला खिला था तो खाली प्रैक्टिस कर रहा था बारह साल की उम्र है हाँ, साल साल यशस्वी हाँ, और उस उसके बाप तो यहाँ है ही नहीं तो उनको क्या पता चलेगा वो वहाँ से ना ये उनको कम्युनिकेट कर पा रहा है ना वो समझ पा रहे हैं अब वो लोग गिव अप कर चुके थे अब उनका था कि अब इसको बुला लो अब इससे नहीं हो पाएगा अब रीजन तो किसी को नहीं पता है और लोग इसको धमकी भी देते थे कि अगर तू तू खेला तो तेरे को हम पुलिस में कंप्लेंट कर देंगे कि तेरा नकली सर्टिफिकेट है तेरे को जेल हो जाएगी तो वो मेंटली बहुत खत्म हो गया था ही वॉज फिनिश बच्चा ही था हाँ और एक तो बच्चा ना रहने की जगह ना खाने के लिए पैसे ना कोई पेरेंट्स का बैकग्राउंड ना कोई कोच तो ये घर वाले ऐसे छोड़ गए थे इनको हाँ वो भी को। हाँ। अब मुझे ये नहीं पता कि उसका उस टाइम फादर मदर का क्या बट इन हाउस उसके माँ बाप नहीं थे मुंबई में कोई नहीं था उसका आजाद मैदान के आस पास कोई नहीं था उसके माँ बाप ने उसको वहाँ छोड़ दिया था और वो अकेला रहता था। He was staying alone. उसके नहीं कुछ कर पा रहे थे। देखिए कोई भी चलो ठीक है जब तक करेगा करेगा वापस आ जाएगा नहीं तो ऐसे ही छोड़ दिया किसी के सा, साथ तो रखा होगा उस जमाने में आपसे मिलने से पहले उस टाइम पे वो टेंट में रहता था टेंट में रहता था और माँ बाप ने बोला भैया जाओ पूछते होंगे कहां पर रहते हो तो, पापा मैं टेंट में रह रहा हूं किसके साथ रह रहा हूं कुछ भी आता पता न, नहीं आई रियली डोंट नो मैं उस पे कमेंट नहीं करूंगा उस पे कमेंट नहीं करना चाहता नहीं क्योंकि मुझे नहीं पता है उस टाइम पे क्या था बस मुझे ये पता है कि उसने ये जो उसने बताया कि वो टेंट में रहता है और कुछ उसके यहां पे एक आधा चाचा लोग थे अच्छा तो उसका जो

और उस टाइम मैं भी अकेला रहता था हालांकि मेरे माँ बाप ने तो मुझे भेजा था या जो भी उनसे बन पाया लेकिन आई वॉज डूइंग द सेम थिंग मैं पेपर कटिंग लोगों को दिखाता था, था या कि यार मेरे को कोई हेल्प करो करो तो तो मुझे लगा कि यार ये लड़का ना कहीं ना कहीं मेरे से कनेक्ट हो जाएगा मतलब मेरी स्टोरी मैं भी लेफ्टी बैट्समैन था ओ तो मुझे लगा कि यार ये और जब मैं क्रिकेट छोड़ रहा था ना तो मेरे माइंड में एक बार ये कहीं ना कहीं सबकॉन्सियस ब्रेन में था कि यार एक तो मैं प्लेयर बनाऊंगा जो, मेरे जैसा होगा मेरे जैसा हो हाँ मैं उसको आउट ऑफ द बॉक्स जाऊंगा तो जब अपनी स्टोरी बता रहा था कि मेरे माँ बाप नहीं रहते हैं और ये सब डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल सब कुछ तो मुझे लगा कि यार शायद ऊपर वाले ने मुझे एक एक रिसोर्स भेजा है ताकि मैं अपने सपने पूरे कर सके तो थ्रू हिम थ्रू हिम यस ऑफ कोर्स हीम सपोर्ट ना उसके माँ बाप थे तो मुझे लगा कि आज इस लड़के में मैं जो चाहूंगा वो मैं भर दूंगा ना उसके माँ बाप थे ना कोई था कोई था नहीं उसके तो नहीं नहीं था वो एक एक रॉ मटेरियल था तो मुझे लगा कि मैं जो भी मैंने अपनी जिंदगी में सीखा है इसमें डालूंगा और ये बन जाएगा और उसके उसके बाद बाद पता नहीं क्या हुँ। हुँ। उसके बाद मैंने नहीं सोचा तो देन मैंने उससे जब पूरी स्टोरी सुन ली ना तो मैंने बोला एक काम कर और मैंने कुछ लोगों को फोन लगाया मुंबई क्रिकेट में जितने भी मेरे इन्फ्लुंशियल लोग थे तो सब लोग ने यही बोला अरे ज्वाला भाई उसको कहा ले रहे हो लड़का ओवर एज है ओवर एज हाँ वो बैन हो जाएगा आपका मेहनत वेस्ट हो जाएगा इनफैक्ट थोड़े दिन के बाद में नहीं वो तो काफी दिन के बाद ओवर एज किस सेंस में जो रहा भाई बारह साल का लड़का है कैसे वही कह रहा हूँ कि उसका जो डॉक्यूमेंट था हाँ। वो किसी और ने नकली बना के जमा कर दिया था ओके तो हाँ। उसकी तो कोई गलती नहीं था ना उसमें आहा, आहा। अब लोगों को कैसे समझेगा आप कैसे समझे सही बात हाँ, अच्छा। अगर मैं बोल दूं कि यार इसका नकली सर्टिफिकेट है तो लोगों को तो यही लगे हाँ, उसने नहीं दिया था ये कैसे प्रूव होगा सही है तो ये चीज वो प्रूव ही नहीं कर पा रहा था इसके लिए कोई उसको ले नहीं रहा था उस टाइम पे कोई उसको खिला नहीं रहा था खाली वो प्रैक्टिस कर रहा था तो देन आफ्टर दैट जब मैं उसको जाना जब मैं पूरी स्टोरी को समझा देन आई फील कि इस लड़के की इसमें कोई गलती नहीं है तो फिर मैंने लोगों को फोन किया एंड नोबडी वाज गिविंग मी एनी इंश्योरेंस उस टाइम अंडर 14 मुंबई के कोच को मैंने फोन लगाया अंडर 14 हाँ, हाँ। तो बोले कि ऐसा ऐसा है तो मैं लेके गया उसको कोच के पास मतलब देखो ये लड़का है तो बोलता रे ज्वाला भाई ये लड़का है क्या वो तो बहुत छोटा है इसको तो हम तो लोग लोग लो बोलते बहुत बड़ा है तो ये तो गलत बात बताते थे हमारे बारे में उस लड़के को तो मतलब वो इंट्रोड्यूस कराता था मुंबई अंडर सिक्सटीन लेकिन सर ये तो छोटा ही लड़का ले लेकिन बारे में लोग बोलते थे बहुत झूठ बोलते थे झूठ हाँ। बोलते थे लोग उसके बारे में गलत फहमी फैलाते थे गलत थे। हवा फैला रहे तो थे। मैंने फिर ये तो बहुत बाद में हुआ देन जब वो मेरे पास आ गया तो मैं बोला एक काम कर मेरे पास अभी थोड़ी प्रैक्टिस कर ये ये जो है, हाँ। मतलब, तो था। था, उस, लेकिन उस, मुझे ये था कि हाँ। ये मेरी कितनी बात मानेगा मतलब जो मैं एक रॉ मेटीरियल में भरना चाह रहा हूँ वो आदमी भर लेगा कि नहीं लेगा मेरे से कितना सीखना तो बहुत सारे प्लेयर ऐसे होते हैं कि नहीं सुनते हैं तो उसको मैंने प्रैक्टिस को बुलाया और कितना सहनशील है कितना वो चीज़ें ले सकता है तो वो प्रैक्टिस में अच्छा लगा तो एक शील्ड करके टूर्नामेंट था तो मैंने बोला जा खेल तो बोलता है सर मैं नहीं खेलूंगा क्यों वो वही सेम चीज बोलता है लोग मुझे बैन कर देंगे अच्छा और वहाँ एक उसके उस टाइम पे कोई वहाँ ग्राउंड पे था बोले मत खेल अगले साल खेल तब तक मामला तेरा ठंडा हो जाएगा तो मैं बोला तेरा मामला क्या है ठंडा हो जाएगा तो मैं तो केस समझ चुका था मैं बोला तू जाके खेल और मैं हूं ना जो होगा ना मेरे हाथ में अब मेरे पे गए तेरे को भरोसा है तो जा और नहीं भरोसा है तो अपना बैग उठा और घर पे जा यही वर्ड मैंने उसको बोला तो डर के मेरे डर के मारे में वो गया वो मैं खेलूंगा हाँ खेलूंगा क्योंकि उसको लगा कि यार ये मिले हैं बड़ी मुश्किल से अभी भी ना चले जाए ये भी, <laughs> ये भी तो ना चले जाएगा तो नहीं इस टाइम वो टेंट ये नहीं उस टाइम आ गया था वो, तो, वो बीच में था कर, फिर तो मेरे आएगा? किया और पांच विकेट निकाला तो आया मेरे पास शाम को मैच खेल के तो मैं बोला क्या हुआ पुलिस आई कोई तेरे को आया कोई मारा कुछ निकाला बोला नहीं सर तो बोला क्यों तू इतना डर रहा अभी जाके कुछ अच्छा कर अब मैं हूँ तेरे साथ कुछ भी लफड़ा होगा ना मैं देखूंगा और तुझे मेरे पे ट्रस्ट करना है और खेलना है फिर नेक्स्ट मैच, मैच में गया और उसने 319 तीन सौ उन्नीस और किया विकेट निकाले निकाल वही टूर्नामेंट है है टूर्नामेंट चल रहा और है। अब, अब मैं टर्निंग पॉइंट बता रहा हूँ वो टूर्नामेंट वो खेलने वाला ही नहीं था अच्छा। उस वो घर जा रहा था उस टाइम पे वापस जाने वाला था और उसके फादर उसको लेने आए थे वही मैच के पहले मतलब टिकट विकेट बुक करना पड़ता है यूपी से तो जब वो तीन रन बनाया तो उसके फादर उस टाइम आए थे और मैंने बोला कि अब बुरिया बिस्तर उठाओ उसी सेकेंड मैच के बाद फर्स्ट मैच के बाद ही कुछ सामान उसने मेरे यहाँ पे ला के रख लिया था तो उसके फादर आए मेरे पास और ही स्टार्टेड क्राइंग मुझे अभी भी वो दिन याद है कि वो रोने लगे मैंने उनको गाड़ी में बिठाया ग्राउंड से एयर इंडिया ग्राउंड से घर ले गया और उस ही स्टार्टेड क्राइंग और बोले एकदम भावुक हो गए और बोले सर आप भगवान के रूप में हमको मिले हो और ये बच्चा मेरा इतना परेशान था हम लोग को फ़ोन करता था हम कुछ कर नहीं पाते थे सर हम क्या करेंगे हम तो गांव में रहते हैं हमारे पास इतना कुछ है नहीं ना रुपया है ना पैसा है ना हमको कुछ पता है हम रो तो के हम भी रोते थे ये भी रोता था और हम लोग भगवान भरोसे छोड़ दिए इसको अब आप मिल गए हो भगवान ने हमारा सुन लिया है अब आज के बाद ये आपका लड़का है आप इससे घर में जो काम कराना है करवाओ उससे झाड़ू करवाओ पोछा करवाओ बर्तन मजवाओ इसको नौकर बना के ये वर्डिंग उनके मेरे बिल्कुल हाँ, इससे कर मालिश कराओ खाना भी अच्छा बनाता है <laughs> खाना भी बनाएगा <laughs> हाँ। और आप खाली इसके भगवान बन के इसको क्रिकेट सिखाओ हमको कुछ नहीं चाहिए आगे जाके जो भी होगा सब आपका होगा हमसे कोई मतलब नहीं है और हम कभी इसके और आपके बीच में कभी भी नहीं आएंगे तो उस ट्रस्ट पे और उस फेथ पे मैंने उस बच्चे को अपने हाथ में लिया ठीक है 2013 2013 में यस उस टाइम मेरे पास दो हजार तेरह में एक चौल में था, और एक मेरा था तो चौल में मैं खुद रहा था बताइए तो उसका सामान वान वहाँ रखा था रहता मेरे साथ था और दिन भर खाली गाड़ी में मैं उसको घुमाता था उसको प्रैक्टिस ले जाना उसका सब कुछ मैं मैंने जो भी कर किया और फिर उसके बाद मैं बताता हूँ जब उसका वो वो गाइल शील खत्म हो गया तो चूंकि उर्दू मीडियम स्कूल में था वो अंजुमन इस्लाम उर्दू ठीक है तो मैं बड़ा सरप्राइज हुआ कि एक लड़का जिसको उर्दू नहीं आती है वो उर्दू मीडियम में पढ़ क्या कैसे कर रहा, रहा? है किसने करा दिया तो ये क्या होता है कि यूपी से ना एक कुछ लोग हैं हाँ। जो यूपी से बच्चे मुंबई लाते हैं ओके हाँ। हाँ। और उनका खाली यही मोटो होता है की स्कूल क्रिकेट खेल ले स्कूल क्रिकेट डॉक्यूमेंट तो बनेंगे नहीं जो लड़का यूपी से आएगा जिसके माँ बाप नहीं रहेंगे उसका डॉक्यूमेंट तो कभी बन नहीं पाएगा बनेगा? तो वो खाली स्कूल क्रिकेट ही खेल सकते हैं ओके आपका जब तक मुंबई का डॉक्यूमेंट नहीं बनेगा और वो दो साल पुराना एक साल पुराना नहीं होगा आप एम के कोई टूर्नामेंट नहीं खेलते सिर्फ स्कूल खेल सकते सिर्फ स्कूल खेल सकते तो यूपी से ना एक रैकेट बोलूंगा मैं उसको कुछ ऐसे कोचेज है या कुछ ऐसे लोग हैं जो कुछ स्कूल के साथ कनेक्टेड है लगा टाइप कर रखा जो भी किया आई रियली डोंट नो प्रोफेशनल तो वे वो लोग क्या करते हैं कि जो स्कूल को जिताना है हैरी शील गायल शील जीता है, है तो वो लोग क्या करते हैं वहाँ से प्लेयर इंपोर्ट करके लाते हैं दो तीन साल उस लड़के स्कूल भी नहीं जाते हैं वो स्कूल क्रिकेट खिलाते हैं और बाद में जैसे उनका टेंथ स्टैंडर्ड में आते हैं उनको वापस भेज देते हैं तो यशस्वी वॉज पार्ट ऑफ देम मतलब फ्यूचर से खेल रहे हैं साथ। अगर वो शायद हमारे पास नहीं आता तो तो वापस वो भी वो देख दो साल स्कूल क्रिकेट खेलता अब चूंकि उसका सर्टिफिकेट का इशू हो गया था तो वो भी नहीं खेल पा रहा था तो फिर जब मुझे समझा अंजुमन इस्लाम उर्दू में कैसे पढ़ रहा है तो मैंने फिर रिजवी स्प्रिंगफील्ड बहुत अच्छी स्कूल है उसके कोच है मिस्टर राजू पाठक तो मैं उस लड़के को उनके पास ले गया मुझे अभी भी याद है मैच चल रहा था तो मैं बोला मैं बोला राजू सर इसका एडमिशन आप कर दो आपके इधर

तो इस तरीके से उस जो, उस जो इतना बड़ा रैकेट में वो फंसा हुआ था उससे वो बाहर निकला एंड ही स्टार्टेड प्लेइंग तो ये उसकी शुरुआत है फिर उसके बाद वो मेरे घर पे रहने लगा और आई नेवर थॉट कि वो मेरा लड़का नहीं है मैं उससे बहुत इमोशनली अटैच हो गया और फिर मैं भूल गया कि वो किसी और का लड़का है मैंने उसको अपने घर पे रखा फिर उस टाइम पे आई वॉज अबाउट टू गेट मैरिड 2014 में मेरी शादी हुई 12 दिसंबर को तो मेरी वाइफ को मैंने बोला कि देखो ऐसा है कि मैं एक लड़के को ऐसा ऐसा कर रहा हूँ तो मैं चाहूँगा कि इवन आफ्टर गेटिंग मैरिड वो हमारे साथ रहे तो मेरी वाइफ ने बोला कि अगर तुम्हारा सपना है जो तुम इतना दिन से सोच रहे हो तो आप ज़रूर करना आई विल ऑलवेज़ विथ यू तो मुझे लगता है आई शुड थैंक्स टू माई वाइफ़ क्योंकि एक यंग लड़के को मतलब 12 से 12 साल से लेकर 21 साल तक की एज तक वो मेरे साथ था एक यंग लड़के को अपने घर में रखना टू बी एच के फ्लैट में आई थिंक मेरे लिए आसान है लेकिन एक लेडी के लिए नहीं आसान है क्योंकि आप घर पे कैसे भी कपड़े helpful. पहनते हो कैसे भी रहते exactly, हो हुँ. तो इट इज आई थिंक कि उनका बहुत बड़ा रोल है अगर उसने अपोज कर दिया होता तो शायद मैं नहीं कर पाता हूँ तो दिस इज हाउ वी स्टार्ट फुल सपोर्ट था लाइक यशस्वी वाज लाइक सन मैंने कभी भी उसको किसी और के बच्चे के नजर से नहीं देखा अगर देखता तो शायद वो यशस्वी जयसवाल नहीं बनता क्योंकि मुझे मालूम है कि इसमें बहुत ज्यादा पेनफुल है किसी को सुबह पाँच बजे उठाना उसको ग्राउंड लेके जाना उसका गार्डियन बनना इट वॉज अ वेरी बिग रिस्क क्योंकि मुझे लोग मेरी मदर बोलती थी कि कहीं तुम्हारे पे किसी ने कंप्लेंट डाल दिया कि अंडर एज लड़के को अकेले रख रहे हो कहीं उसको कुछ हो गया या, या उसके किसी रिलेटिव ने कोई शिकायत कर दी तो आपको सीधा का सीधा जेल हो जाएगा क्योंकि आपको पूछेंगे भी नहीं कोई पूछेंगे नहीं। मैं कल को वो फेल हो गया कल को अगर वो अच्छा नहीं कर पाया तो उसके पेरेंट भी मुझे ही ब्लेम करेंगे कि बच्चे को इनको दिया था इन्होंने मेरे लड़के का जिंदगी खराब कर दिया तो ये सब बड़ा रिस्क था लेकिन थैंकफुल टू गॉड लाइक मेरे जो भी मैं मेहनत से सफल हुई